तो भाई आज मैं नई वाली घोड़ी और बादल के बीच में रेस करवाने वाला हूँ, यानी कि बादल वर्सेस नई वाली घोड़ी। दोनों के दोनों ही चाल में परफेक्ट हो रहे हैं। बादल अभी अपनी ट्रेनिंग पर है और नई वाली घोड़ी में पहले से ही चाल निकली हुई है। तो भाई देखते हैं कौन जीतता है। इन दोनों के बीच में आज चाल का कॉम्पिटिशन होगा। किसी एक को तो मैं चलाने वाला हूँ पक्का। तो जल्दी से फटाफट कैनल के लिए निकलते हैं और देखते हैं भाई रेस कैसे कैसे होती है। ये फीमेल पपी बहुत देर से शोर मचा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको इसके दोस्तों के पास कैनल पर ही छोड़ दूं। तो मैं स्कूटी पर इसके साथ बैठकर चल देता हूं कैनल की तरफ। कैनल के बाहर हमें मिलते हैं कोच साहब और जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड इस पपी को हाय बोलने के लिए इसके पास आ जाती है। चलो 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 सिमी अंदर चलो। जर्मन शेफर्ड से काफी देर मिलाने के बाद मैं ब्लैक वाली फीमेल पपी को कैनल के अंदर इसके नए दोस्त ब्राउन वाली पपी के पास छोड़ देता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन ये दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। क्या ख्याल है कोच साहब, आज दोनों घोड़े को बाहर ले चले? दोनों को? हाँ, बादल को भी और नीली वाली घोड़ी को भी। देख लेंगे, वो तो अंदर डिसाइड कर लेंगे। पापा जी भी है, मैं भी हूँ, अंशुल भी, आप भी हो। चार बंदे हम हैं और दो घोड़े हैं और आज इन दोनों की ना चाल का कंपटीशन करवाते हैं यार। क्योंकि चाल हमने कल नीली वाली घोड़ी को भी चलाकर देखा है ना, उसकी चाल भी बेहतरीन है यार। तो देखते हैं यार बादल जीतता है आज या फिर अपनी नीली घोड़ी जीतती है। तो भाई जल्दी से जल्दी दोनों घोड़ों को तैयार करना पड़ेगा क्योंकि धूप निकल चुकी है। ज्यादा देर करेंगे ना तो गर्मी बढ़ ही जाएगी और फिर घोड़ों को भी और हमें भी दिक्कत होगी घोड़े चलाने में। फिलहाल भाई सबसे पहले तैयारी करनी है इसकी, क्योंकि ये आजकल थोड़ी ज्यादा कठकनी सी लग रही है मुझे। देख लो भाई, बदतमीजी हो गई इसकी शुरू। देख लो भाई, देख लो, इतना भी कोच साहब के देखो भाई काटने की कोशिश करती है। लो भाई कोच साहब ने फाइनली पकड़ लिया। कल शाम तो इतनी ज्यादा दिक्कत करी, कभी लात मार रही थी कभी काट रही थी। चलो भाई आज ठीक ठाक इसने लगाम पहन लिया। बादल को मैं तैयार कर दूंगा, कोच साहब इसको तैयार कर दिया बस। तो भाई वहाँ कोच साहब घोड़ी को तैयार कर रहे हैं और मैं बादल को तैयार करने वाला हूँ। बस यार ये ना काटने वाटने की कोशिश करे, ये बस आराम से पहनने लगा। भाई एक तरफ बादल तैयार हो चुका है और दूसरी तरफ हमारी नई वाली घोड़ी तैयार हो चुकी है। बादल को चलाएंगे पापा जी और इसको चलाने वाला हूँ मैं, यानी कि पापा जी और मेरे में टक्कर है। लो भाई पापा जी तो लोड हो चुके हैं, भाई पापा जी तो बैठ चुके हैं उसके ऊपर। बादल तो निकल चुका बाहर है, मेरी बारी है। बैठ जा कौन सा, बाहर बैठा लियो इसमें, अड़ जा बाहर बैठा लियो, बाहर आ जाओ बाहर। अभी नीचे को पूरा आ जाओ भाई, आ जाओ। तो भाई ये जा रहा अभी और इससे थोड़ी आगे पे है मामा जी, थोड़ी क्या काफी आगे हैं। तो अभी भाई आपको क्या लगता है कि घोड़ा जीता या घोड़ी? पता नहीं, कुछ भी, पूरी जान लगा दूंगा। कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते लेकिन जान लगा दूंगा पूरी। अच्छा चलो कुछ, अब मस्त लग रही है घोड़ी। अब मामा जी से बात कर ली जाए कुछ, आ जा लिया जल्दी। अब हम जा रहे हैं मामा जी के पास। मामा जी क्या लग रहा है आपको, घोड़ी मार लेगी घोड़े को? समय बताएगा। चलो दोनों सवार, देखो भाई कितना मूड में है, कितने अच्छे मूड में चल रहा है घोड़ा, पूरा मजे में चल रहा है और घोड़ी भी अच्छे मूड में आ रही है। ये क्या घोड़ी थी भाई, अभी तो बहुत पीछे रह गया। चलो बेटा चलो। हम हाईवे वाली रोड पर पहुंच गए थे और रेस शुरू भी हो गई। चलो खींच के, बादल देखो भाई कितने मजे में चल रहा है। पापा जी शुरुआत से ही मुझसे आगे चल रहे थे और मैं उनसे काफी पीछे था। जैसे ही मैं उनके पास आने की कोशिश करता था, पापा जी मुझे देखकर एकदम से बादल की स्पीड बढ़ा लेते थे। जब घोड़ी स्पीड नहीं पकड़ पा रही थी तो कोच साहब ने मेरी मदद करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि पीछे से घोड़ी को डराऊंगा तो वो स्पीड से चलने लगी। कोच साहब की ये ट्रिक काम तो कर रही थी लेकिन इसके बाद जो होने वाला था वो मैंने सोचा तक नहीं था। सीधा रहे सीधा आवाज, ओ आराम से आराम से आराम से, अभी चोट तो नहीं लगी यार, ओ आराम से। रुक जा मुझे, आराम से बैठियो अभी, चल बेटे। जब पापा जी को पता लगा कि मैं घोड़ी से नीचे गिर चुका हूँ तो उन्होंने बादल को आगे नहीं भगाया बल्कि एक ही जगह पर खड़े रखा और फिर जब मैं घोड़ी पर बैठकर चला तो उन्होंने मुझे आगे निकलने दिया। चलाओ जी, बढ़ाओ घोड़े को थोड़ा थोड़ा। तो भाई रेस शुरू हो चुकी है अब घोड़ों की,
देखते हैं कौन जीतता है। रास्ता खत्म ही होने वाला था और मैं खुश था कि मैं पापा जी से अब भी आगे हूँ, लेकिन पापा जी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले थे। उन्होंने अचानक बादल की स्पीड इतनी बढ़ा दी कि वो मुझसे आगे निकल गए। तो देखो भाइयों, बादल काफी आगे है इससे। तो आखिर में पापा जी ने बाजी पलट कर ये राउंड अपने नाम कर लिया था और मैं इस राउंड को हार चुका था। भाई एक राउंड में, पहले राउंड में तो बादल जीत चुका है, अब दूसरे राउंड की बारी है, यहाँ से लेके वहीं तक की, अब देखते हैं कौन जीतता है। बस बस बस, चलो चलो, हांकते घोड़ी को, हांकते हांकते घोड़ी को। इस बार मैं पूरे जोश में था और मैं शुरुआत में ही पापा जी से आगे निकल गया था। और बादल का एटीट्यूड देखो बस चलने का, भाई इसका अलग ही नजारा। भाई ज्यादा डिफरेंट नहीं है दोनों में, थोड़े आते हुए ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, बराबर में खींचा खींची चल रही है इस टाइम, खैचा खैची चल रही है, देखो कौन जीतता है। को साहब तुम क्या कहना चाहोगे, कौन सा जीतेगा इनमें से? अरे देखो क्या होता है। नहीं, जब भी तुम्हारा अंदाजा क्या है इनमें? मुझे तो लग रहा है बादल ही जीतेगा अभी। नहीं, बादल का तो खैर लग ही रहा है। खैच खैच, तू घोड़ी खैच तो सही अपना चलेगा। ये क्या नाम है इसका, गुलाबो आगे चल रही है, गुलाबो है, गुलाबो आगे चल रही है यार, इससे बिल्कुल रिलैक्स बैठा यार अभी, बिल्कुल रिलैक्स, कुछ करने की जरूरत ही नहीं अभी, बोल के चली जाए। बादल थोड़ा पीछे है यार हमारा, तो बादल नाक मत कटवा दियो। हाँ यहाँ रख, चल था थोड़ी सी, दोनों शायद बराबर ही चल रहे हैं। बादल को थोड़ा खींच के रख रखा है मैंने, नहीं तो अब लोग बहुत पीछे छोड़ देता। अभी कैसा महसूस हो रहा है, जीत जाएगा? भाई बादल फिर पीछे छोड़ दिया इन्हें। यहाँ पर पापा जी बिल्कुल मेरे साइड में आ गए थे और मैं सोचने लगा था कि शायद इस राउंड को भी मैं हार जाऊंगा। तो भाई बादल आगे आता तो है, पर फिर अभी थोड़ी सी खींच तो ही फिर बादल पीछे चला जाता है, अब देखते हैं क्या होगा। अभी ने फिर थोड़ा सा टाइट कर दिया। बादल की नजर घोड़ी से बिल्कुल भी नहीं हट रही थी, वो सोच रहा था कि घोड़ी को देखता रहूं, इसी की वजह से बादल आगे चल के नहीं दे रहा था। ये तो फिर पीछे रह गया। रास्ता खत्म होने वाला है यार, अब देखते हैं, अब हार जीत तो यहाँ की है भाई, देखते हैं रास्ता खत्म होने वाला है कौन सा जीतता है। मुझे लगा तो ये था कि शायद इस राउंड को मैं जीत जाऊंगा, लेकिन आखिर में आके पापा जी ने जान लगाकर बादल को बिल्कुल घोड़ी के बराबर में ले आए और ये वाला राउंड टाई हो गया। वो एंड में बादल आ गया। राउंड तो खत्म हो चुका था, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं अचानक राउंड खत्म होते ही घोड़ी से नीचे गिर गया। इसके बाद राउंड 3 होता, लेकिन मेरे गिर जाने की वजह से पापा जी ने मुझसे मना कर दिया कि अब रेस नहीं कर रहे, कभी और कर लेंगे। अब कोच साहब जा रहे हैं राइड लेने घोड़े की। भाई घोड़ी मक्कारी कर रही है थोड़ी। भाई मैं तो नीचे उतर चुका हूँ और कोच साहब बादल को लेकर भी जा चुके हैं। लो भाई एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं पापा जी बैठने की, इसके ऊपर बार बार खड़ी हो रही है घोड़ी यार आगे से, इस बार नहीं हो रही। चलो इस बार फिर हो रही है, फिर हो रही है, ये देख लो भाई, इस बार कुछ नहीं हुआ, बड़े प्यार से पापा जी। भाई पापा जी बड़े आराम आराम से पुचकार पुचकार के इसको बैठेंगे, वरना ये खड़ी हो जाएगी। बस बस बैठ गए, चल ना ना। लो भाई आज पता नहीं इसने मक्कारी पता क्यों करी है, क्योंकि यार मैं 2 बार गिर चुका हूँ इसके ऊपर से। एक बार तो मैं यहाँ गिर गया था, शायद उसकी वीडियो नहीं बन पाई, लेकिन वहां गिरा था ना, बड़ा बुरा गिरा था वहां पे, सारा मैं गंदा हुआ पड़ा हूँ यार। कहाँ ज्यादा गिर, अंदर गिरा था, यहाँ तगड़ा गिरा था ना, लेकिन यहाँ मिट्टी की वजह से यार पता नहीं मैं तो खड़ी थी, चल थोड़ी रही थी। अरे मैंने लगाम ढीली छोड़ रखी थी और एकदम से वो खड़ी हो गई पता नहीं कैसे, और मैं फिसल गया, पकड़ ढीली थी ऊपर से, आगे से खड़ी हुई है, घूमी है वो आगे से खड़ी हुई, पता नहीं एकदम ऐसे याद भी नहीं है, पर पैर बड़े बुरे फिसले एकदम से। मैंने ध्यान भी दिया, कब मैं गिर गया तो फिर पता लगा जब नीचे पड़ा था। यार मुझे एकदम से पता ही नहीं लगा, घोड़ी ने आगे से एकदम से उखाड़ मार दिया और वो खड़ी हो गई, मैं नीचे आके पड़ा। आजा कोच साहब को देखने चलते हैं। भाई ये जा रही हमारी घोड़ी इस साइड से और वो आ रहा उस साइड से बादल, अब बस इन दोनों को आपस में ऐसे क्रॉस करना है, बादल घोड़ी को देख कर ना रुक ना जाए, बस
ए नहीं रुक रहा भाई बादल, अब देख यार, ओहो बादल की निगाह यहीं पे है, यहीं पे है, यहीं पे है, लेकिन चला गया भाई यहाँ से, रुका नहीं। वाह वाह भाई, वाह भाई, बड़ा मजा आ रहा है दोनों घोड़ों को एक साथ चलाने में। जिंदगी में पहली बार चला रहे हैं हम, एक तरफ घोड़ा है एक तरफ घोड़ी है भाई, पहली बार, क्योंकि हमें पता नहीं ना वो वाली घोड़ी कब चली जाए, इसलिए आज हमने दोनों घोड़ों को बाहर निकाल लिया। तो भाई फाइनली कैनल पर पहुंच चुके हैं। बादल है, ओ बादल। फिर अभी हम दोनों घर जा रहे हैं, और यार आज रेस करके बड़ा मजा आया। बादल घोड़ी को देखकर ना थोड़ा उतावला हो रहा था, वरना मुझे पता है अच्छी तरह से, बादल बिल्कुल आगे रहता तो वो घोड़ी की वजह से आगे नहीं निकल पा रहा था। वो सोच रहा था कि घोड़ी को देखूं, जैसे ही आगे निकलता था ना एकदम से घोड़ी को देखने के लिए पीछे नजर कर देता था, और इतने में मैं आगे निकल जाता था। तो बस ये हुआ, लेकिन बड़ा मजा आया भाई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज द विनर मून, ओवर एंड आउट।